ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर कैसी होनी चाहिए? एक्सप्रेस होनी चाहिए अथवा तो इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस यानी कि शब्दों द्वारा अथवा तो राइटिंग में शब्दों द्वारा यानी कि बोला गया हो और राइटिंग में यानी कि लिखा गया हो, और ऐसा नहीं है तो इम्प्लाइड भी हो सकती है। ऑफर इम्प्लाइड यानी कि ऐसे वर्तनों से, इशारे से होती है जो लड़का लड़की करते हैं ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में? या एन ऑफर में भी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस, सबसे पहले एक्सप्रेस ऑफर दी गई है उसे देखते हैं हम। एन ऑफर विच एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, जो भी ऑफर है वो वर्ड्स द्वारा एक्सप्रेस्ड है। ओके, इट मे बी राइटन और स्मोकन, लिखित में भी हो सकती है और स्पोकन यानी कि बोला बोला गया भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस ऑफर। एग्जाम्पल दिया गया, तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं आपको तीनों तीन सुनाता हूँ सब फटाफट जल्दी। ए से टू बी, विल यू परचेज माई वाइट हॉर्स ऑफ ₹2,000, यह ऑफर हो गई। ओके, बोला हुआ है, बोला हुआ। सेकंड सेकंड एग्जाम्पल, ए राइट टू बी अ लेटर, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹40,000, यह राइटिंग ऑफर हो गई। थर्ड एग्जाम्पल, ए एडवर्टाइज इन न्यूज पेपर दैट आई विल पे ₹500 टू एनी वन हु ट्रैक्स माई मिसिंग डॉग, ये भी ऑफर हो गई। ये तीनों क्या थी? ये तीनों एक्सप्रेस ऑफर थी, क्योंकि उसमें लिखा गया था, बोला गया था, इसलिए। अब बात यह इम्प्लाइड ऑफर। व्हाट मीन इम्प्लाइड ऑफर? यानी कि वर्तन के आधार, इशारे, इशारे से, इशारे तेरी करती निगाह ऐसे। तो ऑफर विच इज एक्सप्रेस बाय कंडक्ट इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड ऑफर। सबसे पहले कंडक्ट का मीन्स क्या होता है? कंडक्ट यानी कि जो वर्तन करते हैं हम इशारे से, उसको क्या कहते हैं? कंडक्ट कहते हैं वो। ओके, तो ऑफर विच इज एक्सप्रेस बाय कंडक्ट इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड ऑफर। जो भी ऑफर है वो वर्तन द्वारा की गई है उसे क्या कहते हैं? इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। इम्प्लाइड ऑफर इज नॉट एक्सप्रेस बाय वर्ड, जो इम्प्लाइड ऑफर है वो वर्ड्स द्वारा नहीं होती। वर्ड्स यानी कि लिखा नहीं गया होता और शब्द भी नहीं होते उसमें इम्प्लाइड ऑफर में। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज्यादा ख्याल आएगा एग्जाम्पल देखेंगे तब। इसमें भी तीन एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स अ बसेस ऑन अ पार्टिकुलर राउट। एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो क्या करती है? बस, बस है, बस रन कराती है एक पार्टिकुलर राउट में। ओके, देयर इज एन इम्प्लाइड ऑफर फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू कैरी पैसेंजर ऑन द राउट हु आर प्रिपेयर टू पे द स्पेसिफिक फेयर। ये क्या हो गया? इम्प्लाइड ऑफर हो गई। इसमें कोई वर्ड्स नहीं आए, कोई बोला नहीं गया, उसमें क्या जो भी एक्सेप्टर होगा उसको, जो ऑफिस है इसकी, इसकी जो कंपनी की ऑफिस है वहां जाके जो भी स्पेसिफाइक राउट है, पार्टिकुलर राउट, वहां पे मान लीजिए कोई केबिन होगा टिकट बेचने की, वहां पे टिकट लेनी है, बस आए राउट पे बैठ जाना है और चले जाना है। ये क्या हो गया? इसमें कुछ लिखा नहीं गया, बोला नहीं गया, ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट एज सून एज द पैसेंजर एंटर्ड इन द बस। अ पैसेंजर हु एंटर द बस ऑल्सो इम्प्लाइड प्रोमिस टू पे प्रिस्क्राइब फेयर, और वो पे कर देगा जो भी नक्की करे फीस होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, सिमिलरली इन अ सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट देयर इज एन इम्प्लाइड ऑफर। जो भी सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट है वो क्या है? इम्प्लाइड ऑफर देते हैं। कैसे देते हैं और क्या करते हैं? एंड जो भी कस्टमर है वो क्या है? वो प्रोमिस करेगा पे करने के लिए। शा माटे पे करशे? वो कंज्यूमिंग कर रहा है इटेबल्स। समझ में आ रहा है? रेस्टोरेंट किसी को बुलाने पकड़ के लेके नहीं आता, आओ मेरे खाना खाओ, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर अपने आप आते हैं, रेस्टोरेंट देता है इम्प्लाइड ऑफर। उसमें कोई इतना पेज लिख के नहीं देता, ये लो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप हमारे खाने आओ, ऐसा नहीं है। एडवर्टाइज होती है वो अलग बात है, वो इम्प्लाइड ऑफर में ही आते हैं, पर वो अलग बात है। थर्ड एग्जाम्पल है, अ बॉय स्टार्ट क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप द ट्रैफिक सिग्नल विथाउट बी आस्क टू डू सो। एक बॉय है, मान लीजिए गरीब बॉय है, ट्रैफिक सिग्नल में एक कार रुकी हुई है और वो बॉय आकर उसकी गाड़ी साफ करने लगता है। उसने क्या कर दिया? इम्प्लाइड ऑफर कर दी।
उसमें जो कार में बैठेला व्यक्ति था वो उसको मना कर सकता है, उसको ये ऑफर स्वीकार्य नहीं है तो। लेकिन उस वो तो बैठा रहा ऐसे ही कार में और वो साफ करता रहा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली लॉ की भाषा में क्या हो गया, ये ऑफर उसने एक्सेप्ट कर ली कार वाले ने, वो उसने एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं इसका पैसे दूंगा, ओके मनोमन। तो लॉ की भाषा में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो समझ में आ रहा है, बाहर कहीं जाओ ऐसे काम हो, आपकी इच्छा ना हो और वो आपको पैसे देने की इच्छा ना हो और वो आपकी गाड़ी साफ कर रहा है, बाद में पैसा मांगे तो आपको देना ही पड़ेगा, ओके। और आपको नहीं देना है तो पहले से उसको मना कर देना, भाई मुझे साफ नहीं करवानी, आप अपना काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।